नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बरेली जिले। प्रदेश में योगी राज होने के बावजूद भी बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में बदमाशों द्वारा दो लकड़ी बेचने वाले लोगों को फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना पर आईजी रमित शर्मा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ तथा एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल, सीओ बहेड़ी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे, पड़ताल में जुटी। यहां आपको बता दें, घटना में मृतक की शिनाख्त रोहिताश कुमार पुत्र मोहनलाल व राजेश कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम ग्वारी गोंटिया की रूप में हुई है, जो 2 अक्टूबर लकड़ी बेचने को बहेड़ी क्षेत्र में निकले थे। शाम 5 बजे करीब घर लौटे समय ग्राम खंगाई नगर मंदिर समीप अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मृतकों के शव मंदिर के पीछे धान के खेत में बरामद हुए। वहीं से एक मोबाइल तमंचा एवं मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर धारा 302 आदि के तहत अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए एक शव की कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, जो कि आत्महत्या का संकेत दे रहा था। पुलिस द्वारा पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर ही कारण ज्ञात हो सकेगा। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। कौन सा गांव है ये? ये ग्वारी गांव की मौत हुई है बताया जा रहा है, तो आपके कौन थे वो जिनकी मौत? हमारा भाई था। भाई थे? हाँ। घर से कब गए थे, कैसे, क्या है पूरी घटना? घर से गए 5 बजे लकड़ी की टाली लेकर, फिर उसके बाद पूरा बताइए। उसके बाद वहाँ से आए करीब 8:30 बजे की बात है, बूंदे पड़ी है उसके बाद और बंद कर, और यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है बिशनपुर गाँव की, वहाँ पर इनकी गोली मार। अच्छा, ये दो लोग थे साथ में बताया जा रहे हैं? हाँ, दो लोग बाइक से आ रहे थे। बाइक से आ रहे थे। गोली मारने वाले का कोई शक किसी पे, कोई दुश्मनी किसी से? अभी कोई शक नहीं मालूम पड़ा है, इस बारे में नहीं बता सकते आपको। आप लोगों को किस टाइम पता लगा परिवार में? हमारे लिए पता चला, एक दरोगा जी ने फ़ोन किया था, हमारा लड़का सर्विस करता है हरियाणा में, उसका नंबर था उसमें फीट, तो जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि बताओ चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, ये नहीं बताया कि गोली मार दी। तो उसके बाद फिर हम सभी लोग इकट्ठे हुए फिर गए। गोली लगने का कैसे पता लगा फिर? गोली लगने का तो हमें वहीं जा कर पता चला। कहाँ पर लगी है? हाँ, एक यहाँ पर लगी थी। अच्छा, और एक यहाँ रखकर मार दी। अच्छा, ठीक। तो ये कौन थे आपके? क्या था पूरा मामला, घर से कब गए थे, कब आपको पता लगा? बताइए, घर से कब गए थे, कैसे आपको पता लगा, कहाँ बॉडी मिली? घर से गए थे 5 बजे के टाइम लकड़ी बाटे। अच्छा, लकड़ी चुमाने बहेड़ी। बहेड़ी बेचने जाना था लकड़ी? हाँ, बहेड़ी बेच के। अच्छा, 8 बजे के टाइम वहाँ से उठ के चल दिए थे बहेड़ी से। फिर रास्ते में ट्राली पीछे आई, रास्ते में ट्राली वाले को बोल के उस टाइम वो चीज मिली, लेकिन अंधेरे में वो ये नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे हमारे घर वाले पहुँच गए होंगे। मतलब ये बाइक से थे? ये बाइक से। अकेले थे? दो थे। दूसरे कौन थे? दूसरे गोंटिया के हैं, राजेश कुमार। वो कौन है, रिश्तेदार हैं कोई दोस्त? नहीं, दोनों लोग एक उसके आदमी थे, मिले जुले। अच्छा, सुल्फा पीते थे तो इसलिए दोनों की तरफ प्रेम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आपको कब पता लगा कि मौत हो गई? पता हमें तो 4 बजे पता लगा था, एक्सीडेंट रात में पता लगा था कि एक्सीडेंट डूब गया। अच्छा, लेकिन जे बात सुबह को पता लगा। अच्छा, उनकी बॉडी के पास में कोई तमंचा भी मिला बता रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं। मोटरसाइकिल वहीं थी उनकी? मोटरसाइकिल जब बॉडी गई इनकी तो उससे पहले था। आपकी तरफ से पुलिस को कोई तहरीर दी गई? दो हमारे भतीजा और हमारा लड़का गया हुआ, उन्होंने हमें दी। किसी से आपकी कोई दुश्मनी रंजिश कोई नहीं? दुश्मनी थाना बहेड़ी के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राजेश कुमार सिंह, जिनकी उम्र 50 से 55 साल है, इनका शव सड़क के किनारे मिला था, जिनके पास इनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इनके गोली लगी थी और थोड़ी ही दूरी पर रोहतास नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र
35 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी मिली थी और इनकी कनपट्टी पे गोली लगी थी। इनके पास से ही एक तमंचा नज़दीक में 315 बोर का पुलिस को प्राप्त हुआ है और प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं आत्महत्या की है। पुलिस के द्वारा दोनों ही शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं की इसमें जाँच की जा रही है।